इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप दोस्तों वन प्लस नोट सी E3 लाइट 5G मोबाइल फोन है दोस्तों लॉक स्क्रीन से जो है आप नोटिफिकेशन बार को आप कैसे हटा सकते हैं, मतलब आप कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जब आपका स्क्रीन लॉक रहता है तो जब आप ऊपर से नीचे फिंगर की ओर नीचे करते हैं तो इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन बार अगर नीचे आ जाता है तो, और आप चाहते हैं कि ये नहीं आ पाए तो इसको आप जो है लॉक स्क्रीन से कैसे हटाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना है वन प्लस नोट सी E3 लाइट 5G मोबाइल फोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा तो ये सेटिंग होगा लॉक स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉल का। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग को बंद कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि स्क्रीन लॉक रहने पर जो है नोटिफिकेशन बार नीचे नहीं आएगा, जब आप नीचे लाना चाहेंगे तो, या कोई भी लाना चाहेगा तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जो लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन बार को आप हटा सकते हैं या आप उसे जो है बंद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।